तो गाइस अभी आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो बीप का साउंड आ रहा है गाइस, यहाँ पे भाई पानी होगा जब यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने वाले भाई, ये बनने वाला है काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा यूजफुल, क्योंकि गाइस ये जो वीडियो का भाई आपके लिए 100% यूज होगा, क्योंकि हम आज की वीडियो के अंदर बनाने वाले एक पानी डिटेक्टिंग मशीन, जो कि जमीन के अंदर भाई 500 फीट के अंदर पानी का पता करने वाली है, और काफ़ी आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट का प्रयोग करेंगे जो कि आपको आसानी के साथ मिल जाए, और कुछ यहाँ पे भाई मल्टीमीटर की मदद से भाई यहाँ पे हम इसकी रेटिंग को पता करने वाले हैं कि भाई हमें कितनी फिट के ऊपर जो पानी है वो मिल सकता है। और भाई ये काफ़ी परफेक्ट डिवाइस बनने वाला है। दोस्तों यहाँ पे भाई हम इस डिवाइस को बनाना शुरू करते हैं। इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें चाहिए गाइस ये है भाई पीवीसी पाइप की लेंथ है वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो भाई, किस हिसाब से आपको रखना है। और गाइस इसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पे कॉम्पैक्ट साइज हमने लिया है, इसकी जो लेंथ है भाई वो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भाई ये पाइप है, काफ़ी लंबा जो पाइप है वो लिया हुआ। और गाइस यहाँ पे भाई इसको गोल शेप में हम काटने वाले इस पाइप को, और इससे बनाने वाले पानी डिटेक्टिंग मशीन। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है भाई, हमें यहाँ पे 4 पीस करना हो इस पाइप का, तो मैंने आप यहाँ पे स्केल लिया है जिसके अंदर आप नंबर भी देख सकते हो। यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर है इस स्केल के लिए जो लेंथ है, तो हमें इस लेंथ के अकॉर्डिंग भाई इसको पूरा कट कर लेना होगा, यहाँ पे 4 भाग बराबर हमें कट कर लेना होगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मार्क लगा लेता हूँ। तो इस प्रकार से भाई हमें टोटल यहाँ पे 4 भाग काटना होगा, यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है, और यहाँ पे स्केल की लेंथ के बराबर मुझे काटना होगा। यहाँ पे 4 पीस करने वाले इस पाइप के, करते हैं भाई इस फटाफट इसके 4 पीस। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो भाई, पाइप को मैंने यहाँ पे चौकोर शेप में मोड़ लिया है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे टेप की मदद से इसे सिक्योर कर दिया है। आप देख सकते हो भाई किस टाइप से यहाँ पे इसे चौकोर लुक में हमने इसे बना लिया है, और आप भी ऐसा कर सकते हो गाइस यहाँ पे। और उसके बाद में गाइस यहाँ पर गाइस हम बीच में एक पाइप लगाने वाले हैं वापस पीवीसी पाइप, जिसके ऊपर भाई मल्टीमीटर को हम लगाने वाले हैं, जिससे कि हमें रीडिंग का पता चल जाएगा। और कुछ इस प्रकार से भाई हम इसे हाथ में पकड़ने वाले हैं, जिससे ग्रिप भी अच्छी बनेगी। और गाइस ये भाई हमें कुछ इस प्रकार से पानी को स्कैन करना होगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो भाई पूरा शेप था पाइप का, वो हमने यहाँ पे चौकोर शेप में बना लिया, और गाइस बीच में यहाँ पे एक पाइप लगाया जो कि भाई यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रखने का सपोर्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भाई मल्टीमीटर को हम लगा देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में गाइस यहाँ से यहाँ पे पकड़ने का सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे बनेगा भाई इसका कॉइल्स का रिंग, जिससे कि भाई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़मीन के अंदर जाने वाली है, और यहाँ पे गाइस पता लग जाएगा भाई कि मल्टीमीटर के ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर किस फिट पर पानी है, यानी कि कितने फिट पर पानी हो कितने फिट पर नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे पाइप को काट कर बना ली। यहाँ पे ये भाई कॉपर का वायर, ये गाइस कॉपर का वायर, इसकी जो लेंथ है यानी कि भाई इसकी जो मोटाई है वो मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, ये भाई यहाँ पे 0.05 mm का कॉपर का वायर। तो हम क्या करने वाले हैं इसको भाई इसके ऊपर अच्छी से यानी कि भाई लपेटने वाले हैं, जिससे क्या होगा इस यहाँ पे भाई एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस वायर को लाकर भाई यहाँ पे लपेटना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गाइस, जिसको भाई राउंड शेप में पूरे सर्कल के ऊपर लपेटने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें लपेट लेना होगा। तो गाइस लपेटते भाई फटाफट, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं किस टाइप से इसके ऊपर लपेटने वाले हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉइल थी गाइस वो मैंने यहाँ पे बना ली है। इसके ऊपर गाइस यहाँ पे हमने टर्न को लपेट लिया, किस कॉपर के वायर को कुछ इस प्रकार से लपेटा गाइस। यहाँ पे भाई हमने टोटल 2000 टर्न लिए, और गाइस टोटल टर्न भाई इस कॉइल के अंदर हमने लिए 4000, और वापस यहाँ पे 2000 टर्न लिए। तो गाइस यहाँ पे टोटल भाई यहाँ पे लिया हमने 8000 टर्न इस कॉइल के अंदर। और गाइस अभी आप देख सकते हो भाई किस प्रकार से लिया है, यहाँ पे जो वायर था कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे एक वायर हमने कनेक्ट किया इसके पास में, और गाइस एक वायर को भाई हमने यहाँ पे रखा है, जिससे कि हम क्या करने वाले हैं गाइस अभी आप देख सकते हो, ये दोनों वायर को मैंने यहाँ पे पास में कर लिया है। और गाइस यहाँ पे हम लगाने वाले भाई मल्टीमीटर को, और गाइस यहाँ पे मल्टीमीटर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम ग्लू स्टिक की मदद से चिपका देंगे, जिससे कि गाइस क्या होगा भाई यहाँ पे आसानी से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को इसके ऊपर अच्छे से चिपका लिया, जिससे कि यहाँ पे ये सेपरेट हो गया है। और अभी आप देख सकते हो भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पे हम रीडिंग को शो कर सकते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चिपका लिया है गाइस। यहाँ पे भाई कॉपर के दोनों वायर थे गाइस, ये यहाँ पे हमने ले लिए। यहाँ का जो सिरा था गाइस ये भी भाई मैंने यहीं पे ले लिया, जिससे भाई यहाँ पे हमें वायर जोड़ने में आसानी होगी। तो गाइस इसके बाद में हम यहाँ पे लेने वाले हैं भाई, ये है एक RWR, जो कि आप देख सकते हो भाई 7 वोल्ट की RWR है, जिसे हम यहाँ पे लगाने वाले दोनों वायर के साथ, जिससे कि भाई हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो अच्छी मिलने वाली है। तो इसे भी हम यहाँ पे ग्लू स्टिक की मदद से चिपका देंगे। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो आप, ये भाई कॉपर का वायर, उसके ऊपर होती गई इसे कोडिंग, जिसे हमें हटाना होगा, और यहाँ पे RWR में इसे सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हम भाई लाइटर की मदद से इसे हटा लेंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई मैंने यहाँ पे इसे हटा लिया, गाइस यहाँ पे भाई इसे सोल्ड कर देंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों वायर को अच्छे से RWR के साथ सोल्डिंग कर दिया, दोनों कॉइल के वायर को।
और गाइस आप पे मल्टीमीटर के दो वायर को भाई हम लगाने वाले हैं RWR के साथ, इन वायर कॉइल्स का कनेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मल्टीमीटर से गाइस दो वायर निकले थे उन्हें यहाँ पे कॉपर के दोनों वायर के साथ सोल्ड कर दिया है। और किस प्रकार से गाइस यहाँ पे सोल्ड किया आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइस दोनों वायर को मैंने यहाँ पे कॉपर के वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया है। गाइस एक वायर को भाई यहाँ पे सोल्ड किया है, जिससे कि गाइस हमने कॉपर के वायर के थ्रू गाइस मैंने इसे यहाँ पे RWR के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो कि अभी RWR भी देख सकते हो गाइस ये भाई मैंने लिए यहाँ पे 7 वोल्ट की, तो आपको भी यहाँ पे 7 वोल्ट की लेना है गाइस। अब भाई ये मशीन जो है वो बन के तैयार हो चुकी है गाइस, अब भाई इससे करने वाले हैं टेस्ट। तो गाइस ले चलते हैं भाई किसी खुली जगह किसी खेत में यहाँ पे चेक करने वाले इससे कि भाई ये किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भाई वाटर डिटेक्टर मशीन को लेकर खेत के अंदर। गाइस देख सकते हो भाई ये खुला एरिया है, इसके अंदर गाइस यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक खेत है और इसके अंदर भाई हम चेक करने वाले हैं कि भाई इसके अंदर वाटर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे भाई इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर को भाई कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, अभी आप देख सकते हो गाइस। और फिर यहाँ पे भाई हम चेक करने वाले हैं गाइस हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई जैसे उनके यहाँ पे कुछ रीडिंग हमें जो मिल रही है वो गाइस जैसे ही भाई यहाँ पे बिप का साउंड आएगा वहाँ पे पानी होगा, तो यहाँ पे गाइस इस खेत को स्कैन करते हैं यहाँ पे हमें क्या वाटर मिलता है या नहीं। तो गाइस करते हैं भाई इसको टेस्ट यहाँ पे। गाइस अभी आप चेक कर सकते हो भाई यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो बिप का साउंड आ रहा है गाइस यहाँ पे भाई पानी होगा जब यहाँ पे बिप का साउंड आ रहा है। तो गाइस और चेक करते हैं भाई यहाँ पे हमें क्या मिलता है देखने को। गाइस अभी आप देखते हो भाई यहाँ पे ये काफ़ी गहरा एक कुआ जिसके अंदर अभी गाइस है पानी। तो भाई इस मशीन में यहाँ पे टेस्ट करने वाले की रीडिंग बताती है या फिर नहीं। तो गाइस अभी आप देखते हो भाई यहाँ पे रीडिंग आ रही है गाइस, ये परफेक्ट तरीके से काम कर रही है गाइस, ये 20 फीट के अंदर भाई यहाँ पे काम करने वाली है मशीन, यानी गाइस 20 फीट के अंदर जो भी पानी होगा भाई उसे डिटेक्ट कर लेगी यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही आप देखते हो भाई क्लियर आप पानी जैसे ज़मीन नहीं होगी और उसके नीचे आए डायरेक्ट पानी रखेंगे तो उसकी ये रीडिंग मारने वाला होगा गाइस, ये भाई नीचे की ओर ही काम करने वाला है, बाकी इधर किधर भी गाइस ऊपर काम नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हो बिप का साउंड आ रहा है, जैसे हम इसको पीछे हटाएंगे ऑटोमेटिकली गाइस ये ऑफ होने लगेगा, आप देख सकते हो गाइस। अब देख सकते हो गाइस अभी ये ऑफ हो चुका है गाइस, फिर से एक बार ले आते कुएं के अंदर फिर देखते भाई किस तरीके से काम करता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो भाई ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते गाइस इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।